आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 7 जून की ईश्वरदान की। एक शब्द सिर्फ जब हमें मदद चाहिए होती है हम कहते हैं हे भगवान, हे प्रभु मदद करो, सहायता दो, सहयोग दो। लेकिन एक शब्द है जो कि हम सीखते हैं, मेरा बाबा। और बाबा उसी को कहा जा सकता है जो कि हमारा पिता हो, आत्मा का पिता, शरीर का नहीं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा आज हमें सिखाते हैं कि ये जो शब्द है इसमें कितनी शक्ति है और जिस कारण से तुम्हें मेरी सारी सहयोग की शक्ति मिलती है। तो परमात्मा इस वरदान में कहते हैं, इसको हम देखें। बाबा कहते हैं, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। परमात्मा कहते हैं, ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि है, जिनको 100% पक्का है कि मेरा बाबा है, मेरा परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरा शिव बाबा मेरे साथ है, अगर ये जिनको निश्चय है। और ये तभी हो सकता है जब हम किसी को पहचान लेते हैं। किसी भी इंसान पर तभी निश्चय आता है जब हम उसको अंदर बाहर पहचानते हैं, जानते हैं करते क्या है, उनके साथ में हमारा संबंध होता है। इसी तरीके से अगर हमारा परमात्मा के साथ में संबंध है ये सारी चीज़ें जानने के बाद, तो ही जाकर के निश्चय बन सकता है और बढ़ सकता है। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का। तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। कोई परेशानी आई, मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये आया सिचुएशन, इसमें आप होते तो क्या करते, आप मुझे क्या गाइड करते, आप मुझे क्या कहते हैं सिचुएशन में। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बाप बात रोक नहीं सकती, कोई भी विघ्न, कोई भी प्रॉब्लम को रोक नहीं सकती। बिकॉज वो तीसरे नेत्र से, छठी इंद्री से, जो 5 तत्वों के जो विघ्न हैं, जो आत्माओं के जो विघ्न हैं, वो उन चीज़ों के पार देख पाते हैं। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं। तो परमात्मा का प्यार जब होता है, महसूस होता है हमें, तब हमें हर चीज़ हल्की लगती है। जीवन में भी अगर हमारे पास में प्यार होता है तो हम हर चीज़ में आगे आराम से बढ़ते हैं, उत्साह से बढ़ते हैं, हर्ष उल्लास से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर वो एक शरीरधारी का प्यार हो, सिर्फ किसी एक व्यक्ति का सिर्फ प्यार हो, जिस पर अगर हम निर्भर हों, तो आज उसने प्यार दिया तो आज हम खुश, उसने अगर प्यार नहीं दिया उस व्यक्ति ने, तो हमारी फिर मनुस्थिति गिर जाती है। इसलिए क्यों ना हम परमात्मा से ही हर प्यार की इच्छा रखें, ताकि हमारी निर्भरता औरों के ऊपर और हमारा मूड ऊपर नीचे ना हो। तो ये सारी बातें आपको ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती हैं, जो कि आप जा करके सीख सकते हैं निःशुल्क, अपने ही सिटी में, अपने ही शहर में, अपने ही कहीं गली मोहल्ले में, जहाँ पे ब्रह्म कुमारी इसकी गीता पाठशाला या सेंटर हो। ओम शांति इसके साथ।